राजस्थान के सियासी रण से ये बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान में चुनाव को लेकर कांग्रेस आज उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर ये है कि पहली लिस्ट 120 उम्मीदवारों के नाम उसमें हो सकते हैं। बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। लिस्ट के ऐलान से पहले कल कांग्रेस ने बीजेपी को झटका दिया था। दौसा से बीजेपी सांसद हरीश मीणा कल कांग्रेस में शामिल हुए थे। हमारे साथ हमारे सहयोगी रजत राकेश टंडन जुड़ रहे हैं। रजत, जो आपसी कलह थी, जो आपसी कंफ्यूजन था, अब फाइनली लग रहा है कि कांग्रेस ने उन सबका हल ढूंढ लिया है और अब ये लिस्ट आने जा रही है 120 उम्मीदवारों की। हरीश मीणा को लेकर भी बड़ी सफलता कल कांग्रेस को मिली थी। देखिए, हरीश मीणा सांसद थे, इसलिए एक पॉलिटिकल मैसेज कांग्रेस पार्टी को देना था। दूसरी बड़ी बात यह है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट ने खुद ही कल एआईसीसी हेडक्वार्टर के मंच से ये बात की घोषणा कर दी कि हम लोग जा रहे हैं विधानसभा का चुनाव लड़ने। तो जितना भी संशय था कि दो बड़े नेता चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, एक लड़ेगा एक नहीं लड़ेगा, वो सब कल खुद उन लोगों ने खत्म करके ये बात कह दी कि हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हाँ, कुछ सीटों पर मतभेद था, इसलिए इंतजार था कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का। राहुल गांधी वापस आ गए और मुझे लगता है आज दिन में या शाम तक जो पहली लिस्ट है राजस्थान की वो आ जाएगी, जिसमें ये भी पता चल जाएगा कि अशोक गहलोत, सचिन पायलट, गिरिजा व्यास, नमोल नारायण मीणा, जो भी कांग्रेस के बड़े चेहरे हैं, वो कहां कहां चुनाव लड़। ठीक है रजत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। एक बार ये खबर फिर से हम अपने दर्शकों को बता दें कि राजस्थान के रण में अब कांग्रेस की जो आपसी कलह थी, आखिर उस पर उन्होंने जीत हासिल की और 120 उम्मीदवारों की लिस्ट कांग्रेस अब आज रिलीज करेगी।